स्टेलास किचन में आपका स्वागत है। आज हम छोले टिक्की चाट बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हम छोले के लिए पहले रेडी करेंगे एक तेज पत्ता, एक इंच दालचीनी, एक बड़ी इलायची, तीन लौंग, 10 काली मिरी। हमने तेल एक चम्मच, बड़े वाले चम्मच में एक चम्मच लिया हुआ है। इसे अच्छे से भून के लेंगे, उसके बाद हम बाकी के सामान डालेंगे। ये देखिए फ्राई हो चुका है। अब हम इस पेस्ट को डालेंगे। इसमें 2 हरी मिर्च, जीरा 1 छोटा चम्मच, अदरक और लहसुन का हमने दरदरा पेस्ट बना कर लिया है, इसे भी इसके अंदर डालेंगे। इसका कच्चा स्मेल जाने तक का हमें इसके भून कर लेना है। अब इसमें हमने एक बड़ा साइज का प्याज लिया है, इसे भी इसके अंदर डाल लेंगे। ये देखिए प्याज भून चुका है। इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाला था ताकि जल्दी भुने। अभी हम ये टमाटर का प्यूरी डाल रहे हैं। हमने मिक्सी में पीस के लिया 2 टमाटर है, इसे भी अच्छे पकने तक का हमें पका कर लेना है। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर डालेंगे, ज़्यादा तीखा नहीं क्योंकि ऑल स्पाइसेस हम डाले हैं, हल्दी 1/2 चम्मच, भुने जीरे का पाउडर 1 छोटा चम्मच, 1 छोटा चम्मच काला नमक डालेंगे। देखिए मसाला सब भून चुका है। अब इसमें हम छोले डालेंगे। छोले को हमने पहले ही पका के ले लिया है, 4 सीटी रखकर अच्छे से पक चुका है। अभी इसे हम इसके अंदर पका देंगे। आपको तीखा चाहिए पतला चाहिए वो हिसाब से आप इसमें पका लीजिए। स्वाद के अनुसार 1 चम्मच हम नमक डालेंगे। इसे एक अच्छे से पकाना है हमें। छोले हमारा पक रहा है, तब तक हम आलू टिक्की के लिए रेडी करते हैं। हमने 4 मीडियम साइज के आलू लिए, उबाल कर लिए। अब इसे हमें किस कर लेना है, कद्दूकस करना है। हमने आलू कद्दूकस करके रख दिया है। इसमें हल्दी डालेंगे 1 छोटा चम्मच, भुने जीरे का पाउडर 1 छोटा चम्मच, चाट मसाला 1 छोटा चम्मच, काला नमक 1 छोटा चम्मच, नमक 1/2 छोटा चम्मच, 1 हरी कटी हुई मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया। ये देखिए हमारा छोले बन चुका है। अभी इसमें से हम 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। आपके पास छोले मसाला हो, अवेलेबल हो, तो आप छोले मसाला डाल सकते हो, नहीं तो फिर आप ये इंग्रेडिएंट डाल के बनाएंगे तो भी वही फ्लेवर आपको मिलेगा। अभी इसे अच्छे से एक उबाल आने देने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए एक उबाल आ चुका है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। हमें इतना ही ठीक चाहिए और हरा धनिया से हम गार्निश डाल देंगे ऊपर से। अब गैस बंद करके हम टिक्की बनाने के लिए फिर से ले लेंगे। अब हम इसमें चावल का आटा मिलाएंगे। हमारे पास
ब्रेड क्रम्स नहीं है, इसके लिए हम चावल का आटा मिला रहे हैं। आपके पास हो तो ब्रेड क्रम्स मिला सकते हैं। हमने चावल का आटा 2 स्पून लिया है, बड़े स्पून के माप से। अब इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी इसे हमें छोटे छोटे टिक्कियों में बना कर लेना है। ये देखिए हमने हाथ को तेल लगाया, अभी हम टिक्की बनाएंगे। आपको जो शेप चाहिए वो शेप दे सकते हो। इसी प्रकार आपको अच्छे से टिक्की बना कर लेना है। हम सारे टिक्की इसी प्रकार बना के लेंगे। आपको छोटा चाहिए बड़ा चाहिए वो हिसाब से आप बना सकते हो। हमने पैन पे गैस के ऊपर चढ़ा दिया है, पैन भी गर्म हो रहा है। उसमें हम शैलो फ्राई करके लेंगे, डीप फ्राई करके नहीं लेना है हमें। अभी हम टिक्की डालेंगे, तेल भी गर्म हो चुका है, हमने ज़्यादा तेल नहीं डाला है। हमने गैस को लो टू मीडियम ही रखा है। अभी हम टिक्की को पलट देंगे। ये देखिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। हमें इसी प्रकार गोल्डन ब्राउन कर लेना है टिक्की को अच्छे से। ये देखिए टिक्की बन चुकी है, दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हमें इसे निकालना है, हमने टिश्यू पेपर पे निकालेंगे इसे। ये देखिए अब हम दूसरा बैच डाल रहे हैं। 4 आलू में हमारे 11 टिक्की बने। ये लास्ट बैच है। ये देखिए सारे टिक्कियाँ बन चुके हैं। अब हम गैस बंद करेंगे और इन्हें निकाल कर ले एक प्लेट में रख लेंगे। ये देखिए आलू चिट्टी, अभी हम छोले आलू टिक्की चाट बनाने बता रहे, बन चुका है। अभी इसे हम सर्व करेंगे। अब इस पे हम इमली की खट्टी मिट्टी चटनी डालेंगे। ये हमने घर पर ही बनाया हुआ है, इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, आप ज़रूर देख लीजिएगा। हरी चटनी और खट्टी मिट्टी चटनी। और ये दही, कांदा बारीक कटा हुआ, टमाटर बारीक कटा हुआ, भुने जीरे का पाउडर, चाट मसाला, दोबारा से हम चटनी डालेंगे। बहुत अच्छी टेस्टी लगती है। तीखा आपके टेस्ट के अनुसार आप ले सकते हो। प्याज, टमाटर,
भुने जीरे का पाउडर, चाट मसाला और हरा धनिया। और ऊपर से नायलॉन सेव डालेंगे। बहुत ही टेस्टी और बढ़िया बनता है, आप बाहर का खाना भूल जाओगे। ये देखिए बाजार जैसे मार्केट जैसे छोले आलू टिक्की चाट रेडी हो चुका है। आप ज़रूर इंजॉय कीजिए, टेस्ट लीजिए, फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसी लगी छोले टिक्की चाट। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी रहेगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली पहली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, बाय, टेक केयर। और हमने ये वेनसडे हमारी वीडियो आने के लिए लेट हो गई, इसीलिए आज हमने फ्राइडे को डाला हुआ है, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। दोबारा से हम ख्याल करेंगे कि हमारे से गलती ना हो। थैंक यू, बाय, टेक केयर।